बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे बेटों। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था सवालात याद करने का तरीका कि एग्जाम तक आर्टिकल जाने में दो प्रोसेस होते, एक सवालात याद करने का तरीका, दूसरा आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। सवालात याद करने का सर्टिफिकेट तरीका S2-3R प्लस माइंड मैपिंग हमने अच्छे तरीके से जांचा परखा और सवाल आप याद करना सीखते हैं। तो दूसरी वीडियो पेपर को रिप्रेजेंट करना, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जवाब हमें तलाश करना कि पूरा साल स्कूल कॉलेज जाने के बावजूद, पूरा साल कोर्स खत्म करने के बावजूद, पूरा साल अलग से ट्यूशन रखने के बावजूद, पूरा साल 24 घंटे याद करने के बावजूद, पूरा साल अच्छे तरीके से याद करने के बावजूद हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। इस सब तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता, हमारी पेपर रिप्रेजेंटेशन कमजोर है, इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आते। इसलिए ये दूसरी वीडियो आज हम लेकर आए हैं, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर हल करने का तरीका, पेपर अटेम्प्ट स्किल्स इन एग्जाम। तो पेपर रिप्रेजेंटेशन की आज बेसिक कंडीशन में आपको बताता हूँ, इसकी बेसिक कंडीशन है हैंड राइटिंग। आप सैयद हो, सरदार हो, मलक हो, कुछ भी हो, मगर आप एग्जामिनर के सामने नहीं हो, एग्जामिनर के सामने आपकी हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी के इमेज को रिप्रेजेंट कर रही हो। हैंड राइटिंग मैं समझता हूँ मेरे समझ में दो तरह की होती, गुड हैंड राइटिंग गुड पर्सनैलिटी, बैड हैंड राइटिंग बैड पर्सनैलिटी। मेरी दरमियाने दर्जे की काम चल रहा है तो आपकी हैंड राइटिंग इंतहाई अच्छी होनी चाहिए, और चूंकि हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है तो कैसे बेहतर की जाए बेटा। फारसी का एक मकबूला है, गर्व में खाली के बाशी खुश नवीस, कि अगर तू चाहता है कि तेरी लिखाई अच्छी हो जाए, नी नवीस लिखता रहे, नी तू नवीस लिखता रहे, नी नवीस तू लिखता रहे, तू लिखता रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी हैंडराइटिंग बेहतर हो। आप किसी अच्छे राइटर से हेल्प ले सकते हो, वो आपकी हैंडराइटिंग 2-3 माह में अच्छी करवा देंगे, और 2-3 माह में आप प्रैक्टिस 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 करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और इतना फर्क आ जाएगा जैसा कि कुरान में होता है कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, तो जानने वाला जानता है और ना जानने वाला नहीं जानता। इसी तरह गुड हैंडराइटिंग और बैड हैंडराइटिंग वाले बराबर नहीं हो सकते। तो बेसिक कंडीशन ये है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर लें। आप याद रखें जो गुड हैंड राइटिंग वाले होते हैं अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं, और इनके पास एक अच्छा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और वे अच्छे तरीके से याद करते हैं, और जब अपना पेपर रिप्रेजेंट करते हैं तो इंजॉय करके करते हैं, और उनके पुख्ता यकीन के मुताबिक उनके नंबर अच्छे आते हैं। बैड हैंड राइटिंग वाले, इनकी पर्सनैलिटी बैड होती है, और अच्छा याद भी कर लें तो जब ये लिखते बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहाँ पर कंफ्यूजन में ये भूल भी जाते हैं, और इनकी बैड स्टैंडिंग बैड इमेज बनता है, और इनके नंबर अच्छे नहीं आते। अब जो स्कूल बोर्ड के अंदर पोजीशन देते हैं, मैं आपको बताता हूँ जैसे कंडीशन ये है तो आपके बच्चों की टीचर्स हैंड राइटिंग अच्छी हुआ, जब वो मार्किंग से टीचर टेकअप करते वो उसकी 2-3 मार्क्स ट्रेनिंग हुआ, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है उसकी हैंड राइटिंग को बेहतर करवाया जाए। सेकंड, उन्होंने अपने स्कूल के अंदर एक हैंड राइटिंग वाला टीचर रखा हुआ होता है जो अर्ली क्लासेस में बच्चों के पीरियड्स होते हैं, हर क्लास के अंदर एक हैंड राइटिंग का पीरियड होता है, और उन बच्चों की हैंड राइटिंग बेहतर करवाई जाती है, और उन बच्चों की कॉपीज ऐसे होती हैं जैसे प्रिंट किया गया होता है। फिर जब वो बेसिक कंडीशन स्कूल पूरी कर लेते हैं बच्चों की, हैंड राइटिंग इंतहाई अच्छी होती है, इंतहाई अच्छी होती है, बच्चों को याद करवाते हैं, रट्टा करवाते हैं, और रट्टा रुकवा कर बोर्ड के एग्जाम में भेजते हैं, और हर साल बोर्ड की पोजीशन देते हैं।
तो याद रखें बेसिक कंडीशन आपका हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो स्कूल बोर्ड में पोजीशन लेता है तो वो हैंड राइटिंग पर पहले तवज्जो देता है, फिर आर्टिकल को याद करके आगे हर साल बोर्ड में पोजीशन लेता है। जी आप एक सोल्जर की तरह हो, जिस तरह सोल्जर के पास ट्रेनिंग होती है प्लस वेपन्स होते हैं फाइटिंग के लिए, ट्रेनिंग आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो चुकी है तो अब आपके पास वेपन्स होंगे सोल्जर की तरह, आपके वेपन्स आपके जो बैटरी बॉक्स में बंद हो। तो याद रखें अब आपके पास जो बैटरी हो वो ट्रांसपेरेंट हो चाहिए, बोर्ड में दूसरे कलर की ज्योमेट्री अलाउड ना है। आपके पास ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री हो, उस ज्योमेट्री के अंदर आपके पास दो इंक वाले पेंस, दो इंक वाले पेंस एक रेगुलर और एक एक्स्ट्रा, उसके बाद आपके पास एक ब्लू कलर की उसमें मार्कर होनी चाहिए क्योंकि ब्लैक या दूसरे कलर की मार्कर अलाउड ना है, ये आपके साथ को पहले बता देना चाहिए। अच्छा ब्लू मार्कर के साथ आपके पास स्केल होना चाहिए, स्केल के साथ आपके पास लेड पेंसिल नहीं होनी चाहिए, लेड पेंसिल का इस्तेमाल बोर्ड के अंदर अलाउड नहीं है, इसके साथ डायग्राम कुछ आपने नहीं बनाना, आपके पास इंक रिमूवर नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपके बैटरी बॉक्स में दो पेंस ब्लू मार्कर और स्केल, अब आपके पेपर्स तैयार है, अब आप रेडी हैं फाइट के लिए। तो मैं आपको स्किल्स का सिखाता हूँ कि कैसे आप पेपर को हल करें। इससे पहले आपको ये प्रैक्टिस डेली टेस्ट रूटीन में शुरू करनी है, प्रैक्टिस 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 करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाए। यकदम जाकर आप बोर्ड के पेपर में अगर बैठेंगे चीजों को अप्लाई करेंगे वहां आपको स्ट्रेंज लगेगा, अजीब लगेगा, स्ट्रेंज नेचर में बंदा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में पेपर जाता रहता है काम फिनिश। उस दिन में यू होता है कब्बा चला हंस चाल अपनी चाल भी भूल गया, अब कब्बे बन जाओ, इसलिए आपने डेली रूटीन में इसकी प्रैक्टिस करनी है और ताकि जब आप बोर्ड में जाओ तो एक परफेक्ट मैन की तरह आप प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्ट मैन की तरह वहां हल करो। आपने अपनी चाल शुरू से बनानी है, ये नहीं कि कब्बा चला हंस की चाल उस दिन आपकी चाल भी भूल गया। पेपर हल करने का तरीका कि आपका पेपर नीट और क्लीन होना चाहिए, नंबर वन, उसमें विद कटिंग बिल्कुल ना हो, बार बार हिट एंड क्लीन ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रही, तो पेपर आपका साफ हो चुका हो उसमें किसी किस्म की कटिंग ना हो। नंबर टू, उसके अंदर नेसेसरी हेडिंग्स, जरूरी हेडिंग्स आपने देनी है, दरमियान में आपने हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिखने के बाद उसको कॉमास के अंदर बंद कर दें और उसके नीचे लाइन लगा दें, सेंटर में हेडिंग लिखे, हेडिंग लिखने के बाद कॉमास में बंद करके उसके नीचे लाइन लगा दें। अननेसेसरी गैर जरूरी हेडिंग्स ना दें, एक हेडिंग लिख दिया उसके नीचे एक एक लाइन का आपने मवा लिखा है वो आप पेपर को भद्दा कर दें, सिर्फ नेसेसरी हेडिंग्स। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि लिखना कैसे, बात बच्चे ऐसे करते हैं कि राइट भी छोड़ देते हैं लेफ्ट भी छोड़ देते हैं तो ध्यान में लिख देते हैं, ये मजा लगता है एग्जामिनर के सामने करते हैं, आपके बाद जब ठीक आती है आपने और तो राइट साइड से छोड़ सके ना छोड़ कर ऐसे लाइन लगा लें मार्कर के साथ, मार्कर के साथ लाइन लगा लें राइट साइड से थोड़ी सी जगह छोड़कर मार्कर के साथ लाइन लगा लें, फिर आप लेफ्ट से लिखना शुरू करें और राइट तक लेफ्ट से लिखना शुरू करें राइट तक लेफ्ट से लिखना शुरू करें राइट तक लिखते जाएं लिखते जाएं, ये आपके पास इस तरह आपकी होगी। और हेडिंग देने के बाद आपने गैर जरूरी जगह नहीं छोड़नी, अच्छा नहीं लगता। फिर इसके बाद कि अगर फुटनोट हो तो पेपर में स्पीकली बात, जो अच्छे बच्चे होते हैं टॉपर्स होते हैं उनके पास मवाद होता है सवाल गर्दम जवाब चला तो आपको अच्छे तरीके से आता हो तो आपकी स्मृति तभी बनेगी, याद रखिएगा। इसके बाद आपके पेपर में पॉइंट नंबर 5 टू दी पॉइंट, ये दो देखिए दो नंबर का सवाल है तो दो नंबर का जवाब दे, चार नंबर का है तो चार नंबर दे, गैर जरूरी आपने नहीं लिखा, गैर जरूरी लिखने से
आपका इमेज खराब होगा, पर्सनैलिटी खराब होगा। तो साहब मैं साहब मैं देता हूँ उसके बाद नलकी ली, मैंने फलां काम किया, फलां काम किया, आपने पूरा लंबा चौड़ा जवाब दिया। और उसके बाद आप क्या कहते भूल आया क्या मैं आपकी सब्जी लेकर आऊँ, यानी इतना लंबा चौड़ा जवाब देने के बाद जवाब नहीं है या आधा जवाब आया, मतलब आपने अगर एक इस तरह के गैर जरूरी जवाब में दाखिल किए तो आप पास पास। तो याद रखिए क्या रखिए, आप पूरी पार्ट जवाब गैर जरूरी जवाब नहीं देना। जितने नंबर का सवाल है उतने नंबर का पूरी पार्ट जवाब। उसके बाद देखो बच्चे जब आपका जवाब खत्म हो जाए तो आप और उसके नीचे लाइन लगाए, लाइन लगाकर उसके आगे पीछे स्टार ला दें। तो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग जैसे खत्म होता है उसके नीचे लाइन लगाए, इस तरह आगे पीछे स्टार ला दें। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जवाब खत्म हो गया है और आप नया सवाल शुरू कर रहे हैं और एग्जामिनर इसी माइंड के साथ चेक करते हुए आगे बढ़ता है। पास उपाल एग्जामिनर तेजी से चेक कर रहा होता है, वो फिर दो एक समझकर आपको एक के नंबर दे देगा, आपके एक नंबर कट जाएंगे क्योंकि उन दोनों में पार्टनरशिप है। इस तरह अलहदा लाइन नहीं थी तो ना समझ सका तो आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए फौरी तौर पर जैसे ही खत्म होता है तो आप अपने लाइन लगाए आगे पीछे स्टार लगा लें। इसके बाद अहम पॉइंट क्या है, गैर जरूरी जगह नहीं छोड़ते। बाद बच्चे क्या करते हैं जब शीट का पेज आता है पहले स्टॉप करते हैं, उसका सवाल खत्म हो गया वो अगले पेज पर चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना, ये उसको एग्जामिनर इसको लाइक नहीं करता और ये लगता भी करता है। आप और पहले या चार लाइन स्टॉप के बाद आप अपनी पार्टिशन में उसके बाद अगला सवाल अगला जवाब कर चुका। अच्छा अगर 50% पेज इस्तेमाल हुआ तो तब भी आप जो है अगला सवाल करना शुरू कर दें, अगले सवाल का जवाब देना शुरू कर दें। अगर आपका पेपर 2/3 पार्ट यानी एक दो तो 2/3 पार्ट अगर पेज इस्तेमाल हो गया तो फिर आप अगले पेज पर जाएं और यह जवाब लिखें, तो गैर जरूरी जगह नहीं छोड़ें। इसके बाद बच्चे गलत सोच रखते हैं, बच्चों यदि 10 में से 6 करने हैं मैं 10 करूंगा और जो उनमें से 6 सही होंगे वो मुझे चेक करके सही के नंबर दे देंगे। बेटा वो हमारे मामे का बेटा नहीं है, फूफो का बेटा नहीं है, खाला का बेटा नहीं है, जो 10 चेक करे और 10 में से चेक कर 10 में से जो 6 सही है उनके नंबर दे देंगे। एग्जामिनर पहले 6 चेक करेगा, चेक करके जितने नंबर बनते हैं वो दे देगा, बताएगा पास कर देंगे। प्लीज इस सोच को खत्म करें, इस सोच को खत्म करें। जितने आपको जितने आपने सवाल आपके जवाब देने हैं पहले सिलेक्ट करें जो अच्छे तरीके से आते हैं और वही हल करें। जितने आपने हल करने हैं उन्हें सिलेक्ट करें और उतनों के जवाब दें। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। अगला हमारा पॉइंट है सवाल हल करने का तरीका, सवाल की तरकीब कैसे बनाई जाए। बेटा जो आपको सबसे ज्यादा आता है उसको दूसरे नंबर पर करें और जो दूसरे नंबर वाला वो पहले नंबर पर, जब वो आपका पेपर चेक करते हुए जाएगा जो दूसरे नंबर वाला पहले पर किया वो भी अच्छा, जो पहले नंबर वाला दूसरे पर किया वो मजीद अच्छा। इस तरह आप उसके पास अच्छा अवसर पैन हो जाएगा, आप अच्छे नंबर लिख पाएंगे। आपने 4 सवाल हल करें, आप तीसरे वाला आखिर पर करें, चौथे वाला पहले करें। जब आप चौथे वाला पहले कर लोगे दूसरे वाले एंड तक कर लोगे, जब वो एंड तक पहुंचेगा उसको अच्छे से अच्छा मिलता जाएगा और अच्छे से अच्छे नंबर आप छुपाते जाओगे। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, डॉट नहीं है। याद रखिए ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, डॉट नहीं है। अगर इस तरह तरतीब लगाओगे तो आप उससे नंबर निकलवाओगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर आपके पास गलत साइंस भी है तो
स्कूल। तो अगर आपको इंसानी गलती है, हो सकती है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर लाइन लगा देनी है हल्की सी और आगे पीछे स्टार मार। जितनी भी आपके पास एक या दो लाइनें लिखी गई है गलत, तो उनके ऊपर लाइन लगाएं, लाइन लगाकर आगे पीछे स्टार लगा दें, वो आपने ऊपर नहीं काटना। अगर आपने इस तरह काटे लगाए तो बिल्कुल भगा कर दोगे, सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा कर रखा, तो इसका आपने खास ख्याल। तो बेटा ये गलतियां किनसे होती है? वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट नहीं किए होते, या तो क्या होता है मतलब वो टेस्ट सेशन से नहीं किए होते। तो टेस्ट सेशन का फायदा भी मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे या तो कर लेते हैं, टेस्ट सेशन नहीं देते, टेस्ट पर टेस्ट सीरीज नहीं देते, तो फिर वो जब पेपर हल करने जाते हैं तो उनकी गलतियां बार बार होती होती हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से सामने आती है। वो पेपर अपनी तरफ से अपने सामने कर आते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। तो प्लीज प्लीज कभी भी टेस्ट सेशन को ना छोड़ो, कभी भी टेस्ट सीरीज को ना छोड़ो, पूरे का पूरा टेस्ट सेशन दे, पूरे टेस्ट सीरीज में हिस्सा लें और अपने मिस्टेक्स अपनी गलतियां निकलवाएं और ताकि आप लोग अब जो बच्चा टेस्ट सेशन से बार बार प्रैक्टिस 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 इस टेस्ट से पूरा होता है, टेस्ट सेशन से टेस्ट सीरीज, वो जब बोर्ड का पेपर लेकर आता है तो ऐसे कहते हैं कि हलवा है एंड में खा जाता है। हालांकि उसकी वजह क्या होती है, उसने पहले टेस्ट सेशन दिया हुआ होता है इसलिए उसको ये हलवा। बेटा लास्ट पॉइंट हमारे पास रिवीजन ऑफ पेपर, कि जब आप पेपर कर लेते हो तो आप लोग बड़े एमिशन सेट करते हैं 5-6 मिनट के लिए उसे रिवाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवीजन जादू होता है, जब आप रिवाइज करोगे तो आप उसमें से गलतियां निकालोगे, जब गलतियां निकालोगे आप उसको दुरुस्त करोगे, आपको मार्क्स बढ़ेंगे। याद रखिए आप गलतियां निकालोगे तो आपके उससे नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जब एग्जामिनर गलतियां निकालेगा तो वो नंबर काटेगा। तो इसलिए पेपर को आपने रिवीजन लाजमी देनी है, रिवाइज लाजमी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप गलतियां निकालें और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। और इससे एक और बात आदत भी डेवलप होगी कि आप खुद से अपना एहसास करोगे, जब आप खुद से अपना एहसास करोगे तो लोग उतना आपका कम एहसास करेंगे, आप जितना कम अपना एहसास करोगे लोग उतना ज्यादा एहसास करेंगे। ये मामला आपके पास होगा, आपकी जात के पास, कि आप जितना ज्यादा अपना एहसास करेंगे दुनिया आपका उतना कम एहसास करेगी, जितना आप ज्यादा अपना एहसास करेंगे दुनिया अपना काम एहसास करेंगे। तो सो यहाँ पर आप रिवीजन देकर आपकी मिस्टेक्स निकालें और नंबर्स को बढ़ाएं। तो बेटा अब के पॉइंट्स कंप्लीट हुए, आपने पेपर मुकम्मल कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब आप एक ऑफर दे रहे हैं, अब आप मुझे बेहतरीन ऑफर देते हो जिसकी बेहतरीन वैल्यू एग्जामिनेशन में नंबर्स की सुन। अगर कमजोर ऑफर देते हो तो कमजोर मिले। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा, अगर आप 100% पेपर को अटेम्प्ट करके स्किल्स का इस्तेमाल किया, अभ्यास किया तो आप टॉप में आओगे, और अगर आप दरमियाने दर्जे का अभ्यास करते हो 70-60% तो आप पास मार्क्स से बाहर हो जाओगे, अगर आप बिल्कुल अभ्यास नहीं करते तो आप फेल हो जाओगे। तो प्रेजेंटेशन होती है इसके नीचे में, अब आपके हाथ में, आपने प्रॉपर बनना है, पास होना है या फेल, याद रखिए प्रॉपर और फेल के पेपर में जमीन और आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जो टॉपर होता है उसने हर पॉइंट को अच्छे तरीके से फॉलो करके पेपर को सेंड किया है, जो फेल वाला है याद ही नहीं किया और उसका पेपर बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो इसलिए जिस तरह के ऑफर दोगे वो वैसी कीमत लगेगी, जैसी कीमत डालोगे वैसी निकले, लाखों में डालोगे लाखों निकलेंगे, कमजोर पैसे वाले डालोगे कमजोर निकले। इसलिए प्लीज आप तमाम पॉइंट्स का ख्याल करें ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से आए। मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि ये जो आपने प्रैक्टिस है ये आपने डेली रूटीन टेस्ट में शुरू कर दी, फिर आप डेली रूटीन टेस्ट टेस्ट सीरीज में टेस्ट सेशन में प्रैक्टिस होगी, जब आप बोर्ड में जाओगे वहां सुनने या अजीब नहीं लगेगा बल्कि आप अच्छे तरीके से ठीक हो गया बेटा। तो प्रैक्टिस 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 मेन मेक्स मैन परफेक्ट।
तो मैं आपको दोहराई देता हूँ, आप मैंने स्केच बताई है, मेल आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए जो आपकी कोर पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, आप पास जो काम बैठी जिसमें दो पेन ब्लू मार्कर स्केल होना चाहिए, आपने कलर पैटर्न नहीं लेना, रेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। ध्यान रखिए स्केच में आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जरूरी है एडिंग दरमियान में दो, कॉमर्स लगाकर दरमियान नीचे लाइन लगा दो। इतना कैसे, एक साइड पर लाइन लगाकर आप लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट होगा तो पेपर की सिमेट्री यकसानियत बनती जाएगी और टू द पॉइंट जवाब देना है, दैट मींस जवाब देना। और आपने जब आपका सवाल खत्म हो जाए आप उसको नीचे लाइन लगाकर स्टार में बंद कर देंगे ताकि पार्टिशन हो सके। गैर जरूरी जगह नहीं छोड़नी। गलत सोच के मैंने 10 सवाल है 10 के 10 कर लिए, हालांकि उसमें से 6 कर लिए। आपने इंतखाब जितने का किया है वही कर, इसके अलावा नहीं कर। सवाल आप हल कर लेगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया गलत प्लान सुनाती है उसको लाइन लगा कर आगे पीछे बंद कर। और टेस्ट सेशन को नहीं छोड़ना वरना गलतियां रह जाएंगी, जितना मर्जी याद किया आपके ऊपर एवरेज आएंगे। और उसके बाद पेपर को रिवाइज करके आना है, रिवीजन करके फिर आप अच्छा पेपर अच्छी ऑफर देंगे। खुश रहें, बी हैप्पी रहें। अल्लाह हाफिज़।